टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने जा रही है, और इस खबर के चलते ही अब यह स्टॉक फोकस में हमें देखने को मिल सकता है। तो यह स्टॉक को आपको अपने एंजेवन एप्लीकेशन के मार्केट वॉच में जरूर ऐड करके रखना चाहिए। हमने इस स्टॉक को अपने एंजेवन एप्लीकेशन के मार्केट वॉच में ऐड करके रखा है। हम यहाँ मार्केट वॉच में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो BSE कोड है ये निकल के आ जाता है, क्योंकि कंपनी BSE से बिलोंग करती है। इसका कोड यह है KRL, जिसे हम काइंटेक रिन्यूएबल के नाम से जानते हैं। यह कंपनी 17 अप्रैल को अपने क्वार्टर रिजल्ट का अनाउंसमेंट करते हुए नजर आएंगी। जैसे यह खबर मार्केट में आई तो इस स्टॉक में 2% तक की तेजी से स्टॉक में देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पे स्टॉक का कुछ टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे इसका स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो हम यहाँ पे कंपनी का चार्ट को लगा देते हैं, तो चार्ट आपके सामने लग जाता है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि यह कंपनी डेली 2% के अपर सर्किट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रही है। स्टॉक में अगर रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है तो स्टॉक में और ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर इस स्टॉक अगर मिलता है तो और इसको बाय करना चाहते हैं तो यहाँ बाय बटन जो आपको ऊपर देखने को मिलेंगी इस पर क्लिक करना होता है, और यहाँ पर जितनी भी संख्या हम लेना चाहते हैं, जैसे 10 क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो 10 क्वांटिटी में यहाँ पर जो मार्जिन लगने वाला है ये 7070 लगेगा 50 पैसा। यहाँ बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपने ऑर्डर को कंफर्म करेंगे। अभी मार्केट बंद है इससे हमारा ऑर्डर आफ्टर मार्केट लगेगा। यस बटन पे क्लिक करेंगे और अपने ऑर्डर को यहाँ पे लगा देंगे। अब आपको देखने को मिलेगा कि यह ऑर्डर जो है ये पेंडिंग में आ जाता है। अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो यह ऑर्डर हमें पोजिशन में देखने को मिलेगा। तो इसके साथ ही हम अगर स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो स्टॉक पर क्लिक करेंगे, इसके फंडामेंटल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी जो है ये टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी एक छोटी कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटल यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, 1 ईयर का रिटर्न नहीं बताया है। अपने सेक्टर में इसने लगभग 20% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, मार्केट में 3.59% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके फंडामेंटल रेशियो पे एक नज़र डालते हैं। तो आपको यहाँ पे पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, ईवी टू ईबीटा, ईवी टू ईबी आईटीडीए, ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ईवी टू सेल्स, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई आप यहां पे देख सकते हैं। इसके साथ ही आप कंपनी में सबसे ज़रूरी होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहां पे प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, DII, अदर DII है, इसके पास नॉन इंस्टीट्यूशन के पास यहां पे होल्डिंग कितनी है, ये सारी जानकारी होना चाहिए। तो ये तमाम जानकारी आपको मिलती है एंजल वन एप्लीकेशन पे। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा। साथ ही आपको 1 ईयर का MC चार्जेस बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, और बेस्ट ऑफर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।